नमस्कार साथियों। साथियों, जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि आईसीटी का उपयोग जो है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है, और आईसीटी से रिलेटेड हम कई सारे टूल्स को हम अपने एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम इसी तारतम्य में एक टूल, जो एक बहुत बेहतरीन तरीके का टूल है, उसके बारे में हम जानेंगे। और वो टूल जो है वो H5P का है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन के ज़रिए हम जो अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है उनको पूरी तरीके से उनका लाभ मिले और कंटेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो। तो इस तारतम्य में हम एक आईसीटी टूल जो है H5P के बारे में जानेंगे। और H5P क्या है, इसको लॉगिन कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने सब्जेक्ट के अंडर में, यानी जो हमारा विषय है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, साइंस हो, जिस भी सब्जेक्ट के हम टीचर हैं, तो इसका उपयोग जो है, H5P का उपयोग जो है, कोई भी सब्जेक्ट वाले जो है अपने कंटेंट डेवलप करने में कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, और इतनी सारी कैटेगरीज जो हैं उसका हम कंटेंट प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं, साथ में हम इनके उनके असेसमेंट में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसके बहुत सारे कैटेगरीज जो हैं, जस्ट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर है, वीडियो को देखकर चूज इमेज पेयर है, तो इस तरीके से बहुत सारे असेसमेंट के इसके पार्ट हैं, जिसको हम आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। H5P का उपयोग हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। H5P जो है वो है क्या चीज? एक्चुअली H5P जो है HTML5 पैकेज है, और H5P के जरिए हम बहुत ही इंटरैक्टिव वीडियो, क्विज एंड प्रेजेंटेशन हम अपना तैयार कर सकते हैं। इसका URL जो है, आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, https://h5p.org, इसका URL है। इस URL के जरिए हम कोई भी ब्राउजर में जाकर यदि हम इसको टाइप करते हैं, तो इसमें हम लॉगिन करके हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और इसमें जो बहुत सारे कंटेंट कैटेगरीज हैं, उसका उपयोग हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो इसका उपयोग हम फ्री करते हैं। और फिर हम इसके जो भी कंटेंट्स हैं या कैटेगरीज हैं, जब हम इसको क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं, और उसके बाद हम उसको शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने के बाद चाहे हम इसको अपने साथियों के साथ, स्टूडेंट के साथ, या किसी और के साथ हमको शेयर करना होता है, तो इसको इजीली शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी या फीचर्स की बात करें तो वो है इसका रीयूज एंड मॉडिफाई। क्योंकि इसके जो भी हम कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद यदि हमें लगता है उसको हम एडिट करना चाहते हैं, मान लो हमने एक बार एक कंटेंट बना लिया और एक साल बाद हमें लग रहा है कि उसको हमको मॉडिफाई करना है, उस कंटेंट को हमको रीयूज करना है, तो सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी जो है वो रीयूज एंड मॉडिफाई है। और फिर सबसे बड़ी बात साथियों, इट इज मोबाइल फ्रेंडली है एंड रिलेटिवली सिंपल टू यूज है। बहुत ही आसानी से हम इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, हम क्लासेस में बच्चों को जो भी इसके कंटेंट हम बनाएंगे उसको हम दिखा सकते हैं। और एक्चुअली जो ये H5P जो है वो टू वे कम्युनिकेशंस है। बाद में जब हम इसके बहुत सारे कैटेगरीज के जब हम इसको देखेंगे, तब आप इसमें खुद भी महसूस कर पाएंगे कि ये टू वे कम्युनिकेशन किस तरीके से है। बिकॉज ऑफ द इसमें जो टीचर है, जो बता रहा है, वो तो इन्वॉल्व है ही, साथ में जो लर्नर है वो भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि इसके कंटेंट ही इसी तरीके के रहते हैं। जस्ट लाइक जो असेसमेंट के पार्ट हैं,
असेसमेंट के पार्ट में ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज इमेज है, करेक्ट इमेज है, इमेज पेयर है, ऐसे बहुत सारे इसके कैटेगरीज हैं जिसके जरिए बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से ये टू वे कम्युनिकेशन होने के कारण ये बहुत ही बेहतरीन H5P टूल है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। और इसमें बहुत सारे कंटेंट इसके हम उपयोग कर सकते हैं, जस्ट लाइक इमेज पेयर है। इमेज पेयर जैसे हम देखेंगे तो किस तरीके से जो करेक्ट इमेज है उसके साथ जस्ट लाइक ये मैच द फॉलोइंग टाइप का रहेगा इमेज पेयर। कोर्स प्रेजेंटेशन है, हम कोर्स प्रेजेंटेशन के जरिए हम स्लाइड्स बनाकर हम बच्चों को दिखा सकते हैं। कोई भी हमारा कंटेंट को यदि शो करना है, जिस पेडागोजी को हमें यूज करना है, तो इसमें हम बनाकर बहुत अट्रैक्टिव मोड में हम इसको पेश कर सकते हैं। और इसमें हॉट स्पॉट्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, एटसेट्रा, बहुत सारे इसके कंटेंट हैं जो बहुत ही काफ़ी कहना चाहिए कि हम इसका इजीली यूज़ करके हम अपने पेडागोजी को बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स के सामने पेश कर सकते हैं, ताकि जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य में हम कामयाब हो सकें। और सबसे बड़ी बात, H5P इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट अमंग अदर थिंग्स अलाउस फ्लैश लाइक इंटरैक्टिव कंटेंट टू बी क्रिएटेड विदाउट द नीड फॉर प्लगइन्स। मतलब हम इसमें लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम हिंदी लैंग्वेज यूज करें, चाहे हम इंग्लिश यूज करें, जो भी हम लैंग्वेज इसमें यूज करके हम अपने कंटेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। इसके बाद ओवरऑल यदि हम देखें तो H5P इज एन ओपन सोर्स इंटरैक्टिव टूल दैट अलाउस यू टू क्रिएट इंगेजिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड अदर विजुअल एक्टिविटीज। विजुअल क्यों है, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है बच्चों को और एक्टिविटी वो साथ में कर रहे हैं, जस्ट लाइक इमेज पेयर कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहे हैं, करेक्ट इमेज चूज कर रहे हैं, तो इसके तरीके से वो विजुअली देख रहे हैं, एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। इसके बाद हम इस H5P को डिलीवरी कैसे कर सकते हैं, इस ई रिसोर्सेज को डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। इसमें जो है, जो हम कंटेंट बनाएंगे उसका एक लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो लिंक जो है वो लिंक के थ्रू हम शेयर करते हैं, और फिर यदि वो शेयर करते हैं तो कैन बी डाउनलोड फॉर रीयूज। यदि स्टूडेंट चाहे तो वो उसको डाउनलोड करके बात के लिए, उसको देखने के लिए वो रख सकते हैं। कैन बी इंटीग्रेटेड विथ LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक इसका बेहतर पार्ट है, क्योंकि हम यदि कोई असेसमेंट ले रहे हैं तो और बच्चों को हम दे रहे हैं, तो उसके फर्स्ट ट्रायल में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कितने स्कोर किए हैं, आफ्टर देन उनकी प्रोग्रेस क्या है, और एज अ रिकॉर्ड के फॉर्म में हम ये स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसकी डिलीवरी पार्ट है। एंड देन टाइप्स ऑफ H5P कंटेंट क्या हैं, इसके बहुत सारे जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, अकॉर्डेशन है, एगमोटो है, अरिथमेटिक क्विज है, ऑडियो रिकॉर्डर है, चार्ट है, कोलाज, कॉलम, ड्रैग कार्ड्स, इसके अलावा इसमें कोर्स प्रेजेंटेशन, फ्लैश कार्ड, चूज इमेज पेयर, इमेज पेयर है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें कंटेंट हैं जिसका हम हर सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी वाला हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, बहुत तरह के सब्जेक्ट्स में हम इनके कंटेंट को यूज़ करके हम अपने कंटेंट को बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और हमारा जो एक्चुअली जो प्रोसेस, जो हमारा एम है कि बच्चों तक जो है हम कंटेंट को डिलीवर करना चाहते हैं एक बेहतरीन वे में, तो इस तरीके से हम इसको बनाकर और दे सकते हैं। साथियों, अब हम चलेंगे कि हम इसको लॉगिन कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले कोई भी अपना ब्राउजर आप ओपन कर लेंगे, क्रोम में अभी जैसे मैं ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं H5P भी यदि आप लिखते हैं तभी भी आप जो है इसमें एंटर हो जाते हैं। इसमें जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं H5P क्रिएट एंड शेयर रिच HTML5 कंटेंट एंड एप्लीकेशन, इसको हमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको, तो साथियों आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। आप जो देख रहे हैं H5P, इसमें आपको एग्जाम्पल्स एंड डाउनलोड्स भी दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन,
गोल्स एंड रोड मैप, फोरम एंड लॉगिन। सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तब चूंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुकी हूँ, तो इस तरीके से ये मुझे दिखाता है, ये मेरा नाम एंड माय अकाउंट आपको ये शो होगा। तो लॉगिन जब आप करेंगे तो उसमें आपको कुछ फॉर्मेलिटीज जो है वो भरनी पड़ेंगे। आपका ईमेल एड्रेस है, यूजर आईडी है, पासवर्ड है। इस तरीके से कुछ फॉर्मेलिटीज आप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ माय अकाउंट आपको जैसे दिखाई दे रहा है, तो इस माय अकाउंट में ये हमने कुछ क्रिएट किए हुए हैं, हमने जो कंटेंट क्रिएट किए हुए हैं वो शो होते हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें तो साथियों इसके एग्जाम्पल एंड डाउनलोड्स में जब हम जाते हैं तो आपको ये बहुत तरह के ये कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी कंटेंट को यदि आप क्लिक करते हैं तो वो उसके बारे में जो एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है वो दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी इमेज चॉइस पे क्लिक किया तो आप ये जैसे देख रहे हैं कि विच ऑफ दिस एनिमल्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट होके इससे इसके आंसर ढूंढता है और फिर वो चेक भी करता है ताकि उसको पता चले कि उसने जो आंसर दिया है वो सही है कि गलत है। तो इस तरीके से जो भी आप कंटेंट बनाना चाहते हैं उसके एग्जाम्पल एंड डाउनलोड्स में जाकर एक बार आप उसके देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको कंटेंट बनाना है और उस कंटेंट में आप किस तरीके से एंटर करके उसको आप बना सकते हैं। जैसे ये एक इमेज हॉटस्पॉट है, इसका भी आप यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये जैसे दिख रहा है आपको, तो ये प्लस का जो साइन है दैट इज हॉटस्पॉट है। आप इसको जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें इसके बारे में डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, ये ब्लैकबेरीज क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इस तरीके से यदि हम नेक्स्ट को करते हैं तो ये नेक्स्ट आप जैसे देख रहे हो, इसमें इमेज है, कोई मैप है, मैप के जरिए वो बच्चा जो है वो जान सकता है, उसके डिटेल्स जान सकता है। तो इस तरीके से हॉटस्पॉट जो है वो जिस पार्ट को हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं उसमें हम बनाएंगे, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके एग्जांपल्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं। अब हमने दो इस वीडियो में दो कैटेगरीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं किसी भी एक पार्ट को। तो सबसे पहले आपको ट्राई आउट H5P को क्लिक करना पड़ेगा, इसके बाद क्रिएट कंटेंट में इसमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको ये कुछ कैटेगरीज जो दिखाई दे रही हैं इसमें अपन क्लिक करेंगे। मान लो फ्लैश कार्ड कर रहे हैं तो फ्लैश कार्ड में जैसे आप देख रहे हो यहाँ हमने यहाँ टाइटल डाल दिया जो आपको टाइटल देना है। इसके बाद जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं, टास्क डिस्क्रिप्शन है। अब कार्ड वन जो है वह हमारा वो बन रहा है, तो कार्ड वन में हमने पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड हम इमेज डालेंगे। इमेज डालने के बाद यदि हमें कुछ उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। और फिर यदि हम ज़्यादा कार्ड बनाना चाहते हैं तो ऐड कार्ड करके हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप जितने चाहे इसके कार्ड बनाएंगे। कार्ड जब आपके पूरे बन गए इसके बाद लास्ट में आप ये देख रहे हैं चार डिस्प्ले बटन्स हैं, इसको हमको क्लिक करना है ताकि ये शो होगा। डाउनलोड एम्बेड एंड कॉपीराइट अलाउ डाउनलोड, क्योंकि यदि हम डाउनलोड अलाउ नहीं करेंगे तो फिर वो आगे डाउनलोड नहीं होगा। एम्बेड बटन एंड कॉपीराइट बटन, इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से इसमें हम शो करके लास्ट में हम इसको सेव का ऑप्शन देते हैं, तो जो आपने कंटेंट बनाया वो आपको यहाँ पर आपके रिसेंट कंटेंट में दिखाई देगा कि आपने क्या कंटेंट बनाया है। तो इस तरीके से ये कुछ कंटेंट बने हुए हैं आप जैसे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आप एक ऑप्शन देख रहे हो एडिट का, तो मान लो मेरे को कोई जो मैंने बनाया है वो मुझे एडिट करना है, उसको उसमें ऐड करना है, या कोई गलत चीज़ हो गई है तो उसको ठीक करना है, तो उसको उसका भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। इसलिए हमने इसको बोला था कि रीयूज एंड मॉडिफाई इसका बेस्ट फीचर है।
तो इस तरीके से मैंने इमेज चॉइस वाले जो पार्ट बनाया था, इसमें मेरे कंटेंट थे और इसको मैंने जो भी मुझे इसमें करेक्ट करना है, ऐड करना है, ऐड करना, तो उस तरीके से मैं करके नेक्स्ट फिर से लास्ट में मैं हम सेव का ऑप्शन बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारी सेव हो जाएगी। तो अगेन एडिट करके हम देख सकते हैं। तो अब ये फ्लैश कार्ड जैसे मैंने बनाया है, इसको आप देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, एग्जांपल्स में भी हमने देखा था, ये फ्लैश कार्ड में हमने ये इमेज डाली, इमेज डाउनलोड, अगर आपके डेस्कटॉप में डाउनलोड पहले से ही होगी तो वो बेहतर होगा, कि यदि आप गूगल से सर्च करके फिर डाउनलोड करेंगे उसमें टाइम लग जाएगा, तो आपके पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड रहे। अब ये क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हो, गिवन बिलो पिक्चर इज द पार्ट ऑफ ए विच ऑर्गन, तो हार्ट का है, किडनी, ब्रेन, लंग्स का, किसका ये पार्ट है? तो ये बच्चे को सोचने पर ही मजबूर करेगा, एंड दिस इज द वेरी कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स डजेंट नो दैट द दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन, किसका ये पार्ट है। तो ये हमें बेसिकली नॉलेज देने के लिए इस तरीके से यदि हम क्वेश्चन देते हैं, असेसमेंट का हम ये पार्ट रखते हैं, तो ये हमारा कहना चाहिए कि बेहतर ये पार्ट होगा कि हम जब इवेल्यूशन की बात आएगी तो हम बहुत अच्छे से बच्चों को ये बता सकेंगे और उनका नॉलेज भी जो है वो अपग्रेड होगा। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं टू वेज कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे थे, तो बच्चा यहाँ इन्वॉल्व है, जो टीचर है वो, जिसने कंटेंट डेवलपर है वो बना तो रहा है, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होने के कारण, जैसे वो बच्चा को मालूम नहीं है कि उसका आंसर क्या है, तो मान लो वो लंग्स लिखता है, तो लंग्स लिखने के बाद उसका चेक का भी ऑप्शन उसके पास आ जाता है कि जो उसने लिखा है वो इनकरेक्ट है एंड विच वन इज करेक्ट, करेक्ट जो है वो किडनी है, और फिर ये सेकेंड फ्लैश कार्ड। तो इस तरीके से ये हम फ्लैश कार्ड बना के हम हमारा जो कंटेंट है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के सामने रख के हम उनके असेसमेंट पार्ट को देख चेक कर सकते हैं। और एक और चूज करेक्ट इमेज, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी जैसे क्वेश्चन लिखने का आता है, हमारा पार्ट रहता है, उसके बाद इमेज डाउनलोड करने का रहता है। इमेज डाउनलोड हमने कर ली, अब बच्चा मान लो फर्स्ट को क्लिक करता है, उसको चेक करता है, तो उसको पता चल जाता है कि वो उसका राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हो जीरो, दैट मीन्स ये रॉन्ग आंसर है। और फिर रिट्राई का भी ऑप्शन इसमें जैसे आप देख रहे हो, तो रिट्राई करेगा तो सेकंड को मान लो वो क्लिक करता है एंड देन वो चेक करता है, तो इसमें आप देख रहे हो 1/1, मतलब उसका जो आंसर है वो राइट है। तो इस तरीके से मैंने पहले ही आपको बताया, चूंकि साथ साथ में उसको अपना प्रोग्रेस भी पता चलते जा रहा है स्टूडेंट्स का, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग H5P रहते हैं। इसके बहुत सारे कैटेगरीज जैसे आप देख पा रहे हैं, तो और एडिट का भी ऑप्शन आप देख रहे हैं। और एक बात, जैसे हमने इसको क्लिक किया और इसमें आप ऊपर में आप बार में देख रहे हो इसका URL आता है, URL जो है हम इसका कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करके हम जहाँ चाहते हैं वहाँ डाउनलोड हम शेयर कर सकते हैं, और फिर स्टूडेंट्स चाहे हमारे साथी जिनको हम बताना चाहते हैं तो वो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं, और फिर इसके साथ जो है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेहतर तरीके से हमारी हो सकती है। तो साथियों, इस तरीके से आपने देखा कि इस H5P में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके जरिए जो है हम बहुत बेहतर तरीके से हम अपने कंटेंट को बनाकर स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। थैंक यू।